खंडवा जिला उपप्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष सह खरौंधी उपप्रमुख गोरखनाथ चौधरी ने सारण की महिला जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी को सरेआम थप्पड़ मारने के प्रकरण में मंत्री रणधीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। वे प्रखंड कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। प्रेस वार्ता में शामिल सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने घटना की निंदा करते हुए मंत्री की कृतियों की भर्त्सना की है। सबों ने राज्य सरकार से आरोपी मंत्री को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान उप प्रमुख ने सवालिया लहजे में कहा है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की है एक दबंग मंत्री द्वारा एक महिला प्रतिनिधि को सरेआम थप्पड़ मारा जाता है, यह कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि आरोपी मंत्री के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो बाध्य होकर सभी पंचायत प्रतिनिधि जोरदार आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ सभी पंचायत प्रतिनिधि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। पत्रकार वार्ता में उप प्रमुख के अलावा कुपा के पंसस विजय मेहता, करीवा डी पंसस ममता देवी, मझगावा पंसस उर्वती देवी, राजी पंसस शंभू उराव, चंदन वर्मा, रामवीर सिंह, सत्येंद्र मेहता, सोनू कुमार आदि उपस्थित थे। आज जो हम लोग सभी पंचायत प्रतिनिधि आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसमें जो देवघर जिला के सारठ जो जिप्स सदस्य हैं पिंकी कुमारी, सरेआम कृषि मंत्री रणधीर सिंह द्वारा जो पीटा गया है उसको हम लोग घोर निंदा करते हैं और झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि रणधीर सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करके कानूनी कार्रवाई किया जाए और सरकार से जल्द इसे गिरफ्तार करवाया जाए। जो कि प्राथमिकी दर्ज हुई है मंत्री पर, उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए और तत्काल उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बिड़ीरा, उनका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर उनके द्वारा खरौंधी प्रखंड में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, न ग्रामीण जनता को कोई सुना गया है, न कभी वो आए हैं खरौंधी में। इसलिए हम घोर निंदा करते हैं और पार्टी नेतृत्व से मांग करते हैं कि लोकल प्रत्याशी यहाँ पर लोग पलामू लोकसभा में दें। और हम लोग पूरे झारखंड में एक पंचायत प्रतिनिधि में से श्री धर्मराज पासवान को प्रोजेक्ट किए थे और मांग किए थे मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री से मिलकर कि लोकल प्रत्याशी धर्मराज पासवान को टिकट दिया जाए ताकि पलामू में हम लोग चुनाव जीत सके, लेकिन नहीं दिया गया है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और पार्टी नेतृत्व से मांग करते हैं कि पुनः विचार करते हुए धर्मराज पासवान को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाए।